बिलासपुर जिला के स्वारघाट क्षेत्र में क्वारंटाइन किए गए 6 संदिग्ध लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए आईजीएमसी भेजे गए हैं। ये जानकारी बीएमओ नैना देवी डॉक्टर कुलदीप ने दी। उन्होंने बताया कि स्वारघाट में क्वारंटाइन किए गए कुछ लोगों का पिछले 2-3 दिनों से सर्दी जुकाम के मामले प्रकाश में आए थे, इसके लिए इन सभी का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनमें कौन से लक्षण हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे घरों में रहें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोएं और घर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सुदीप है और मैं इस सैंपल कलेक्शन टीम में इंचार्ज काम कर रहा हूँ और सलम से फील्ड से जो भी हो रहे सैंपल को एजेंसी के लिए भेज रहे हैं। आज हमने यहाँ स्वारघाट में 2 हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने थे, जिसमें एक तो रेस्ट हाउस फॉरेस्ट का है, उसमें कुछ अदर स्टेट से जो लड़कियाँ यहाँ ठहरी हुई हैं और कुछ यहाँ पे जो आदमी थे जो स्कूल है यहाँ पे उसमें रखे गए थे, उनमें से हमारे को पता चला कि कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम थे जो कि एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और वो 4-5 दिन दवाई देने के बाद भी ठीक ना हो रहे थे, इसलिए हमने उनका सैंपल किया और इसको हम आईजीएमसी के लिए भेज रहे हैं और रिपोर्ट आने तक का वेट कर रहे हैं। ये अपील है कि अगर आपको 3-4 दिन की खांसी है, जुकाम है और वो दवाई खाने के बाद कम से कम 5 दिन तक आपने कोई एंटीबॉडी जीतो या सिट्राजिन पीसीएम वगैरह लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे डॉक्टर को कन्फर्म करवाएं, बताएं, वहाँ चेक करवाएं और वो डॉक्टर हमारे को बताते हैं कि इनके ये प्रॉब्लम हुई, हिस्ट्री है, 4-5 दिन दवाई लेने के बाद ठीक नहीं हो रहे, तो उनको हम सैंपल के लिए आगे और लेते हैं। जैसे सरकार के आदेश हैं हिसाब से हम लोगों ने अपने जो 5 बैरियर्स हैं हमारे स्वारघाट में, जो बैरियर है हमारा और गड़ा मोड़ा में जो इंटरस्टेट बैरियर है, टोबा में हमारा इंटरस्टेट बैरियर है और एक आपका जो है ना बस्सी में एक इंटरस्टेट बैरियर है और एक जो है ना हमारा बरमला में हमारा जो है एक बैरियर है, उसको हम वहाँ पे हमने अपनी टीम्स को ये उपलब्ध कराया है ताकि दिन में भी और रात में भी जिस तरह के सरकार के आदेश हैं और बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का ये इन तरह की किट अवेलेबल कराने का स्वास्थ्य विभाग को, ताकि ऑन द स्पॉट ही हम लोग ये टेस्ट कर पाएँ और ये बता पाएँ कि फला व्यक्ति जो है ना वो इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं है, उसके और उसी के हिसाब से टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से हम आगे कदम जो है ना प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे कदम उठा सकें। तो मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह की बीमारी से सिम्टम है जिसमें, तो वो स्वयं सामने आएँ और जना ये हमारे टीम्स के माध्यम से अपना टेस्ट कराएं। और दूसरा जो सरकार के आदेश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर रहें, घर में रहें, ताकि जो है ना ये चेन जो है ना ये बन ना पाए इस बीमारी की और हम अपनी जनता को और हम अपने प्रदेश में इस बीमारी को फैलने से रोक सकें।